सो हेलो एंड वेलकम गाइस, और कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एडवांस सी कंसेप्ट, जो कि आपको एडवांस सी प्रोग्रामिंग में हेल्प करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि क्या हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सो हम आज पढ़ेंगे टू क्रिएट अ डायनेमिक एरे इन सी, दैट इज़ जो हमारा साइज़ होगा उस एरे का वो रन टाइम पर डिसाइड होगा, एंड हीप मेमोरी में जो कि सब कुछ स्टोर होता है वो हीप में स्टोर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे थ्रू यूजिंग अ सिंगल पॉइंटर एंड देन यूजिंग एन एरे ऑफ पॉइंटर्स, एंड उसके बाद पढ़ेंगे हम थर्ड कंसेप्ट यूजिंग अ पॉइंटर टू पॉइंटर। इन तीन तरीकों से हम अपनी डायनेमिक एरे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस है जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा। सो ampersand x ऑफ ज़ीरो, जैसे हम मान लीजिए कोई एक x पॉइंटर वेरिएबल है, तो अगर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं तो दैट इज़ सेम एज x, एंड ampersand x ऑफ वन मतलब ये जो फर्स्ट एड्रेस है, मतलब एरे इंडेक्स तो हमारा स्टार्ट होता है ज़ीरो से, तो अगर हमारे को सेकंड एलिमेंट लेना है मीन्स x ऑफ वन, तो हम उसको x प्लस वन से भी ले सकते हैं, ये एड्रेस है। एंड अगर हमारे को उसकी वैल्यू चाहिए तो हम यूज़ करेंगे पॉइंटर स्ट्रिक x प्लस वन का। क्योंकि जब हमें एड्रेसेस पे काम करना होता है तब आपको पता ही है कि हमारा एम्परसेंड ऑपरेटर यूज़ होता है, प्लस जब हमें हमें जब किसी चीज़ की वैल्यू चाहिए होती है किसी पॉइंटर वेरिएबल की, तो हम स्ट्रिक सिंबल से यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको इन चीज़ों में डाउट है कि ये कैसे काम करती हैं, तो मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लस आई बटन में भी डाल दूंगा, सो आप चेकआउट कर लीजिएगा। सो अब हम डायरेक्टली जंप ऑन करते हैं हमारे कोड में, एंड सबसे पहले हम कोड लिखेंगे, फिर हम एक के बाद उस कोड को आराम से डिस्कस करेंगे। सो गाइज, अब हम बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की। तो हमारा फंक्शन मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ यहाँ से। हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। 2D एरे होती है, एक रो होता है जिसमें एंड दूसरा कॉलम होता है, ठीक है। एंड अगर हम देखें तो हमारी कुछ तीन रोज़ हैं हमारे पास एंड चार कॉलम्स हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट रो का जो इंडेक्स होता है वो होता है 0 0, फिर 0 1, देन 0 2, देन सो ऑन, कुछ इस टाइप में ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ एक एरे होता है,
जिसमें ये उसके एड्रेसेस होते हैं कि 00 पे कौन सा एलिमेंट आएगा, 01 पे कौन सा आएगा, 02 पे कौन सा आएगा, या सो ऑन। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, एक एरे नाम का एक पॉइंटर बनाया जिसको हमने मैलॉक के थ्रू, जब हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं तो हमें मैलॉक की ज़रूरत पड़ती है, और मैलॉक लेता है एक एन, मीन्स कितना हमने एलोकेट करना है साइज़, प्लस द साइज ऑफ द डाटा टाइप। तो हमारा एन यहाँ पे रोज़ इंटू कॉलम्स है, हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट रो इंटू कॉलम मीन्स 4 3 12, मतलब 12 इंटू साइज ऑफ इंटीजर, जो भी साइज ऑफ इंटीजर, जैसे 2 बाइट 32 बिट या 64 बिट कंपाइलर के हिसाब से, यहाँ पे मेरे जो इसका इंटीजर का साइज़ है वो है 4 बाइट्स। सो ये उस हिसाब से डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर। ऐसे तो 2 बाइट टर्बो C++ में अगर आप यूज़ करेंगे तो वो 2 बाइट्स का होता है, बट विजुअल स्टूडियो कोड बेस में ये इंटीजर 4 बाइट्स का होता है। आप लोग साइज़ ऑफ डाटा टाइप से भी चेक कर सकते हैं किसी डेटा टाइप का साइज़। ठीक है, तो अब जब ये एन मतलब मैलॉक से एलोकेट हुई मेमोरी 12 बाइट्स इंटू 48 बाइट्स की मेमोरी मैलॉक से एलोकेट हो गई हमारे को, एंड फिर क्या हुआ, फिर जैसे हम एरे को रोज़ और कॉलम्स में दो लूप्स के थ्रू रन करते थे वैसे ही हुआ, बट यहाँ पे हमने क्या किया, एक काउंटर वेरिएबल ले लिया जिसको प्री इंक्रीमेंट करवाते रहे हम, और उसकी वैल्यू रो काउंट में आती रही। कैसे, जैसे आप देखिए एरे आई इंटू कॉलम प्लस जे। अब आई इंटू कॉलम क्यों किया मैंने, क्योंकि जैसे अगर हमारे पास ये एक एरे है, ठीक है, तो इसमें ये कुछ रोज़ होंगी, ठीक है, तो अब इनके स्पेसिफाइड कॉलम नंबर्स भी तो होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, तो अब 0 पे कितनी रोज़ है हमारे पास, 3, तो 0 पे कॉलम कितने होंगे, 0 1 2 एंड 3, मतलब 4 कॉलम्स। वैसे ही 1 के साथ भी होगा, वैसे ही 2 के साथ, तब ये हमारी 2D एरे बनती है। एंड फिर हमने क्या किया, अब अगर हम देखें तो अब पहले आई की वैल्यू हुई 0, 0 इंटू कॉलम, जो भी ये 0 इंटू समथिंग इज 0 प्लस जे इज 0, ओके, तो मतलब क्या हुआ एरे के, अब हम अगर देखें तो 0 आई के लिए एंड जे के लिए, क्योंकि ये रो एंड कॉलम, 0 0 पे क्या वैल्यू आई, प्लस प्लस काउंट मतलब प्री इंक्रीमेंट हुआ, तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे हमारा स्टोर हुआ 1, ठीक है। अब अभी भी हमारा आई तो 0 ही है क्योंकि जे वाली लूप चलेगी, अंदर वाली लूप चलेगी पहले, तो क्या हुआ जे हो गया अब 1 इंटू, अब आई क्या हुआ, आई तो 0 ही था, तो एरे में क्या बन के आता है 0 इंटू 4 प्लस 1, मीन्स 0 1, और 0 1 एलिमेंट एरे में कौन सा है, यहाँ ये वाला है, इसमें आ जाएगी वैल्यू 2। फिर कितना हुआ जे, जे हुआ 3, ठीक है, तो फिर वैसे वैसे 0 पे ये वैल्यू आई, 1 पे जब जे की वैल्यू 1 आई तो ये वाली वैल्यू आई, फिर जब जे की वैल्यू बढ़ेगी तो कुछ ऐसे करके हमें हमारा जो पूरी एरे है वो मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड जिनको नहीं आता है ये कंसेप्ट, मैं वीडियो में एंड में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग ज़रूर जाइए और हमारी वीडियोज़ चेकआउट कीजिए, एंड कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा।